नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं झारखंड में ऑनलॉक पर मुख्यमंत्री ने मांगी आम लोगों की राय झारखंड में चल रहे आंशिक लॉकडाउन को खत्म करने के लिए ऑनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं बता दें शाम तक छः से अधिक सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुँच चुके थे सबकी अपने अपनी नसीहत है बता दें कोई लॉकडाउन बरकरार रखने के पक्ष में है तो कोई छूट के पक्ष में लोग स्कूल कोचिंग और शॉपिंग मॉल खोलने को लेकर भी मिली राय दे रहे हैं लोगों ने जीविका का भी हवाला दिया है बता दें अढ़ाई हज़ार हाँ से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट किया और पंद्रह हज़ार के करीब लाइक मिले माना जा रहा है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से तीन या चार चरणों में ख़त्म किया जाएगा झारखंड में पंद्रह जून तक मानसून का दस्तक झारखंड में पंद्रह जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है बता दें गेल में एक दो दिनों में दक्षिणी पूर्वी मानसून प्रवेश कर सकता है वैज्ञानिकों की माने तो इस बार सामान्य मानसून की संभावना है प्री मानसून बारिश होने की भी संभावना है तीन जून तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में वज्रपात की आशंका जताई गई है झारखंड में 2022 तक नहीं बिकेंगे 11 ब्रांड के प्रतिबंधित पान मसाले झारखंड की हेमंत सरकार ने पान मसालों की बिक्री और उपयोग पर एक साल के लिए और बैन बढ़ा दिया है बता दें इससे पहले सरकार ने 2020 में एक साल के लिए पान मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी थी सोमवार को एक आदेश के तहत अगले एक साल के लिए और इसे बढ़ा दिया गया है बता दें टेस्ट में ग्यारह प्रमुख ब्रांड के पान मसालों में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था गृह रक्षकों के लिए खुशखबरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर अब राज्य सरकार के वैसे विभाग जहां सुरक्षा में निजी सुरक्षा गार्ड को लगाया गया है अब उनके स्थान पर अब गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी बता दें गृह रक्षा वाहिनी स अग्निशमन के डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने सभी जिला समादेष्टा को पत्र लिखकर कर इसे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी जिला समादेष्टा ऐसे विभाग से संपर्क स्थापित करें और उन्हें राज्य सरकार के दिशा निर्देश की जानकारी दें इन विभागों में निजी सुरक्षा गार्ड के स्थान पर गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने के बाद दस दिनों के भीतर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करे झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और मृतक आश्रितों को नौकरी की अधिसूचना जारी राज्य सरकार ने झारखंड अलग राज्य गठन को लेकर हुए आंदोलन में मारे गए या 40 फीसदी से अधिक विकलांग हुए आंदोलनकारियों के का आश्रित को तृतीय व चतुर्थ वर्ग में नौकरी समेत आंदोलनकारियों के पेंशन का ऐलान किया है राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है बता दें आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए आयोग गठित किया जाएगा आंदोलनकारियों को चिन्हित कर समान सुविधाएं लाभ प्रदान करने का काम आयोग करेगा जैक बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए शिक्षकों की राय लेगी सरकार जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए राज्य के शिक्षकों से राय ली जाएगी इसकी जिम्मेदारी सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है सोमवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिया गया बता दें राज्य सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने या फिर नहीं लेने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ तीन जून को सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का भी इंतजार कर रही है इसके बाद राज्य स्तर पर अंतिम निर्णय होगा बता दें जैक सचिव महिप कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सभी आर डी और डीईओ की ऑनलाइन बैठक में पूछा गया कि वर्तमान परिस्थिति में अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है तो कैसे आयोजित होनी चाहिए गुमला में पुलिस व उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में एक उग्रवादी ढेर गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के मरवा गांव में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी व पुलिस के बीच सोमवार सुबह से ही मुठभेड़ होने लगी बता दिया मुठभेड़ दोपहर तक चलती रही इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी को पुलिस ने मार गिराया और आधा दर्जन उग्रवादी इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है बता दे कोबरा टीम को सूचना मिली थी कि मारवा जंगल में बुधेश्वर दस्ता मिनी कैंप लगाकर विस्फोट करने की तैयारी कर रहा है इस सूचना पर कोबरा टीम सुबह मारवा जंगल पहुँच गई पुलिस को आता देख बुधेश्वर दस्ता के उग्रवादियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी झारखंड में रिटायर हो रहे डॉक्टरों को मिलेगा सेवा विस्तार झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने रिटायर हो रहे डॉक्टरों को छः महीने तक सेवा विस्तार देने का फैसला किया है बता दें झारखंड स्वास्थ्य सेवा के मई 2021 से मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों का सेवा विस्तार करने का फैसला किया है मार्च 2022 या सेवानिवृत्ति की तिथि से छ माह की अवधि जो भी बाद में हो तब तक के लिए सेवा विस्तार किया गया है लाइफलाइन नंबर 104 से चौदह हज़ार लोग लाभान्वित कोरोना महामारी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शुरू की गई हेल्पलाइन ने लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह काम किया है बता दें इस दौरान हेल्पलाइन नंबर 104 के अलावा अन्य हेल्पलाइन सेवाएं से मरीजों एवं उनके परिजनों तक तो चिकित्सा से जुड़ी जानकारियों को पहुँचाने में सहायक बनी बता दें बड़ी संख्या में मरीजों ने इन नंबरों पर फ़ोन कर सहायता मांगी और इन्हें सरकार की ओर से सकारात्मक सहयोग भी प्राप्त हुआ बता दें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मिले आंकड़े से पता चलता है कि 25 मई तक राज्य में दस हज़ार से अधिक मरीज होम आइसोलेशन और ग्यारह से अधिक मरीज अस्पताल में थे झारखंड में आठ नए केस मिले हैं झारखंड में तेरह मरीज की मौत हुई है झारखंड में कुल मौत की संख्या उनचास है वहीं झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या नवासी है भारत में एक लाख छब्बीस हज़ार छः सौ उनचास नए केस मिले हैं भारत में कुल मौत की संख्या तीन लाख इकतीस हज़ार नौ सौ नौ है वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या अठारह लाख नब्बे हज़ार नौ सौ पचहत्तर है भारत में दो लाख चौवन हज़ार आठ सौ उनासी मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं झारखंड में भी अठारह सौ सो सोलह मरीज स्वस्थ हुए हैं झारखंड में आठ सौ इकतीस नए मरीज़ मिले हैं जो रांची से इकसठ पूर्वी सिंहभूम दो सौ तिरासी हजारीबाग उनहत्तर बोकारो तीस धनबाद पैंतालीस रामगढ़ उन्नीस पश्चिमी सिंहभूम अठारह कोडारमा तीस पलामू दस देवघर इक्कीस गुमला इकतालीस गिरिडीह सैंतीस खूंटी सोलह लातेहार चौबीस सरायकेला दस सिमडेगा संतावन गढ़वा चौदह लोहरदगा तेरह चतरा सात गोड्डा चार जामतरा दस दुमका जीरो साहिबगंज नौ पाकुड़ से तीन मरीज मिले हैं वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान रांची रामगढ़ और हजारीबाग जिलों में स्वच्छ वायु के मुद्दे पर सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट की ओर से सोमवार को वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय सिविल सोसाइटी संगठनों अकादमिक विशेषज्ञों रिसर्च थिंकटैक मीडियाकर्मियों सहित विभिन्न स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए बाबा रामदेव के विरोध में आज राज्य भर की बीस हजार डॉक्टर काला बिला लगा कर करेंगे काम बाबा रामदेव के विरोध में राज्य भर के बीस हजार डॉक्टर मंगलवार को कालाबिला लगाकर अपना काम करेंगे बता दें बाबा रामदेव के बयान के बाद पूरे देश भर में एलोपैथ के डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं आई एम ए रांची के सचिव डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि हमें आयुर्वेदिक पत्ति से विरोध नहीं है हमारा विरोध स्वामी रामदेव के दिए गए बयान को लेकर है आई एम ए के साथ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का भी साथ मिला है डॉक्टर सुधीर ने कहा कि बाबा रामदेव ने सार्वजनिक मंच पर बयान दिया है इसके लिए माफी भी सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए उन्होंने एलोपैथ को लेकर जो बयान दिया है वो विवादास्पद है अनलॉक झारखंड पर रघुवर दास का सुझाव दो दो दिन सभी दुकानों को खुलने दे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया है कि व्यापार को वर्गों में बांटकर और दिवस निर्धारित कर सप्ताह में दो दो या तीन तीन दिन सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे इससे बाजारों में भीड़ भी नियंत्रित रहेगी कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की जो प्रक्रिया चल रही है उससे बड़ी संख्या में छात्र अभिभावक व्यापारी व उसके कर्मचारी परेशान हैं बच्चों को किताबों कॉपियों के साथ अन्य स्टेशनरी की जरूरत है ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण मोबाइल और लैपटॉप की भी जरूरत पड़ रही है जूता चप्पल बर्तन सैलून आदि का व्यापार भी चौपट हो रहा है कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए शिशु योजना झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने शिशु योजना लॉन्च की है यह योजना ऐसे बच्चों के लिए लॉन्च की गई है जिनके माता पिता का देहांत कोविड नाइन्टीन के कारण हो गया है और उनके भरण पोषण एवं अन्य जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है ब्लैक फंगस वाले मरीजों की रिपोर्ट तैयार होगी कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल सर्जन और अन्य संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है अधिकारियों को रिपोर्ट में यह बताना होगा कि ब्लैक फंगस का मरीज होम आइसोलेशन में था या नहीं मरीज को स्टाइड दिया गया था या नहीं डायबिटीज और कोरोना के इलाज के दौरान उसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दिया गया था या नहीं इसका पूरा ब्यौरा भेजना होगा तमिलनाडु में फंसी झारखंड की छब्बीस लड़कियां लगाई मदद की गुहार तमिलनाडु में दुमका सहित संथाल क्षेत्र की छब्बीस लड़कियां फंसी हुई है बता दें तमिलनाडु में डेढ़ माह से लॉकडाउन के कारण लड़कियों के पास आने के विकल्प बंद हो गए हैं सभी लड़कियां तमिलनाडु के त्रिपुरा में एक कपड़ा फैक्ट्री में सिलाई का काम करती हैं फैक्ट्री मालिक भी लड़कियों की वापसी में अवरोध बना हुआ है तमिलनाडु में फंसी सभी लड़कियों ने धनबाद में प्रवासी श्रमिकों को वापस झारखंड लाने का काम करने वाली संस्था शुभ संदेश फाउंडेशन से संपर्क किया है ब्लैक फंगस के मिले दो संदिग्ध मरीज झारखंड में सोमवार को ब्लैक फंगस के दो संदिग्ध मरीज पाए गए हैं बता दें राज्य में ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीजों की कुल संख्या छियालीस हो गई है जबकि ब्लैक फंगस के 33 मरीज भर्ती हैं यह जानकारी सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर सिद्धार्थ त्रिपाठी ने दी उन्होंने बताया कि सोमवार को दो संदिग्ध मरीज मिले हैं बता दें राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों की कुल संख्या उनासी हो गई है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को जमशेदपुर के खास महल सदर अस्पताल में आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवा में संसाधनों की बढ़ोतरी की जाए ताकि कोई भी मरीज चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम न तोड़े सी बी एस ई बारहवीं बोर्ड परीक्षा पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई की बराहवीं की परीक्षा का रद्द करने या आयोजन करने पर आज 1 जून 2021 को बड़ा ऐलान हो सकता है बता दें सी बी एस ई ने अप्रैल में कोरोना संकट को देखते हुए 1 जून 2021 तक परीक्षा स्थगित रखने का ऐलान किया था ऐसे में देखना होगा कि अब एक जून को सी बी एस ई परीक्षा को लेकर आगे क्या रणनीति सामने रखता है धन्यवाद